नमस्कार। कक्षा 10 एक्सरसाइज 4.4 का प्रश्न नंबर 4 हम करने जा रहे हैं। क्या निम्न स्थिति संभव है? यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। हमें दिया हुआ है दो मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है। 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 था। तो आइए हम देखते हैं। मान लो पहले मित्र की आयु 1 वर्ष, तो हमने एक मित्र की आयु मान लिया 1 वर्ष। हमें दिया गया है दोनों की आयु का योग है 20 वर्ष, तो दूसरे मित्र की आयु 20 में से हम घटा देंगे, क्योंकि दोनों की उम्र को प्लस करके 20 आ रहा है। पहले की x है, दूसरे की होगी 20 में से x निकाल दो, 20 माइनस एक्स वर्ष। जैसे एक की 8 वर्ष है, दूसरे की कितनी होगी? 20 माइनस 8 12। ऐसे एक की है x वर्ष, दूसरे की कितनी होगी? 20 माइनस एक्स, ताकि दोनों को प्लस करके 20 आए। अब 4 वर्ष पूर्व, 4 वर्ष पूर्व पहले मित्र की आयु कितनी होगी? 4 वर्ष का है तो 4 साल पहले होगा x माइनस 4 वर्ष का। इसी प्रकार से दूसरे मित्र की आयु, मित्र की आयु यानी 4 साल पहले। अच्छा, यहां हम ना लिख सकते हैं वर्तमान आयु, वर्तमान आयु, ताकि पता चले कि ये उनकी आज की आयु है। यहां भी लिख सकते हैं वर्तमान आयु। तो दूसरे मित्र की आयु कितनी होगी? देखिए, दूसरा मित्र आज है 20 माइनस एक्स वर्ष का, 4 साल बाद यानी इसमें से 4 और घटा दो, तो 20 माइनस 4 हो गया 16 माइनस एक्स। तो 4 वर्ष पूर्व दूसरे मित्र की जो आयु होगी वो हो जाएगी 16 माइनस एक्स वर्ष। प्रश्न के हिसाब से 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 था, इसका मतलब इन दोनों को गुना करके 48 आता था। 4 साल पहले की जो उनकी उम्र थी, पहले की उम्र थी x माइनस 4, दूसरे की उम्र 4 साल पहले थी 16 माइनस एक्स, इन दोनों को गुना करके 48 आता है। हमें बताना है कि क्या यह संभव है या नहीं है, तो देखते हैं करके। इस x को दोनों से गुना कर दो, x को 16 से गुना किया 16x माइनस एक्स को एक्स से गुना किया एक्स स्क्वायर, माइनस इंटू प्लस माइनस, 16 चौके होता है 64, माइनस इंटू माइनस प्लस, 4 इंटू एक्स होगा 4x, 48 यहाँ प्लस हो रहा है उधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस, बराबर बराबर के आगे से 48 चला गया, कुछ नहीं बचा यानी बच गया 0। आइए हम इसे हल करते हैं। एक्स स्क्वायर वाली सिर्फ एक ही रकम है, इसको हम पहले लिख लेते हैं माइनस एक्स स्क्वायर। अब x वाली एक रकम है 16x, दूसरी रकम है 4x, यानी 16 प्लस 4 20x। इसके बाद बिना x वाली दो रकमें हैं 64 और 48, इन दोनों, ये दोनों माइनस किए हैं तो माइनस माइनस प्लस, इन दोनों को प्लस कर दो, 8 और 4 12 हासिल आया 1, 6 और 4 10 और 1 11, साथ में साइन माइनस का बराबर 0। अब हम बच्चों क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर को प्लस बनाने के लिए, क्योंकि ये माइनस का है, इन तीनों में से माइनस कॉमन ले लेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 20x, सबके साइन चेंज हो जाएंगे, 20 प्लस का था माइनस बन गया, अब ये माइनस 112 था, ये अब ये बन जाएगा प्लस 112 बराबर 0। अब हमें बच्चों अगले स्टेप में ये माइनस इधर इसके साथ गुना हो रहा है, उधर जाकर जीरो से भाग हो जाएगा, तो हमारे पास बच जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 112 बराबर 0। ये हमारे पास समीकरण आई। अब हमें ये पता करना है कि क्या यह समीकरण संभव है या नहीं, यानी कि क्या इसके मूल वास्तविक आएंगे या नहीं आएंगे। तो हम क्या कर सकते हैं, हमें पता करना है कि इसके मूल वास्तविक हैं या नहीं है, तो हम क्या करेंगे बताइए, क्या करेंगे हम इसमें विविक्तकर निकाल के देख लेंगे, d निकाल के देखेंगे, बी स्क्वेयर माइनस 4ac, याद है ना आपको, अभी हमने किया है थोड़े प्रश्नों में। तो हम d निकालेंगे जो कि बराबर है
बी स्क्वेयर माइनस फोर ए सी के। इससे यदि डी जीरो से बड़ा होगा या जीरो के बराबर होगा तो हमें पता चल जाएगा कि वास्तविक मूल है, यदि नहीं होगा तो हमें पता चल जाएगा कि वास्तविक मूल नहीं है। तो आइए देखें, बी स्क्वेयर ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी से बी आ गया माइनस बीस, तो माइनस बीस का स्क्वेयर माइनस फोर इंटू ए, एक्स स्क्वेयर के साथ कुछ नहीं है यानी वन, इंटू सी, सी है 112, इसे हमने हल करना है। तो माइनस का स्क्वेयर होता है प्लस, बीस का स्क्वेयर हो जाएगा 400, माइनस चार को 112 से गुना कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 448। अगले स्टेप में प्लस माइनस माइनस, 448 में से 400 माइनस कर दिया तो आया 48, साथ में साइन आया बड़ी रकम का जो कि है माइनस का। तो इसका मतलब डी आ गया माइनस 48, यानी डी है जीरो से छोटा। और हमने पढ़ा था जब हमने मूलों की प्रकृति की थी तब हमने पढ़ा था यदि बी स्क्वेयर माइनस फोर ए सी यानी कि डी जीरो से छोटा होगा तो कोई वास्तविक मूल नहीं होता। इसका अर्थ यह है कि इस समीकरण का कोई वास्तविक मूल नहीं है। समीकरण का कोई वास्तविक मूल नहीं है, अतः यह स्थिति संभव नहीं है। तो देखा बच्चों, हमें पूछा गया था क्या निम्न स्थिति संभव है या नहीं है। दो मित्रों की आयु का योग दिया था और चार वर्ष पूर्व की उनकी आयु का गुणनफल। तो हमने इस प्रश्न को हल करके देखा, हमें एक समीकरण प्राप्त हुई और हमने इस समीकरण के लिए देखा कि इसके वास्तविक मूल हैं या नहीं है। उसके लिए हमने विविक्त कर यानी कि डी बराबर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी निकाला। हमने देखा डी नेगेटिव है यानी ऋणात्मक संख्या है, जीरो से छोटा है और हमें पता है कि यदि डी जीरो से छोटा हो तो समीकरण का कोई वास्तविक मूल नहीं होता। और यदि कोई समीकरण का वास्तविक मूल नहीं है इसका मतलब एक्स की कोई वास्तविक वैल्यू नहीं आएगी और इसका अर्थ यह है कि यह स्थिति संभव नहीं है। तो आशा करता हूँ ये प्रश्न आपको अच्छे से समझ आया होगा। आपको यदि अच्छे से प्रश्न समझ आया तो कृपया हमारे इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।